जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है उसमें प्रत्येक मंथ कर्मचारी को कितनी सैलरी दी जाती है, उस सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस ऐड होते हैं, और आप भारतीय रेलवे में अगर गुड्स गार्ड की पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब रेलवे तक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीजन अप्रैल 2023 की पे स्लिप है, जिसमें कि कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कैंडिडेट का नाम है, डेसिग्नेशन जो कि रनिंग डिपार्टमेंट ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड है, डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। यहाँ पर कैंडिडेट जिस भी स्टेशन पर कार्यरत हैं उनका नाम, वहाँ का विल यूनिट और कैंडिडेट का आधार संख्या यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि गुड्स गार्ड का जो पोस्ट होता है पे लेवल 5 में आता है जो यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा इनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1/2024 में लगेगा। जैसे कि आप सभी को ये पता होगा कि इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है जो कि जनवरी या जुलाई में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट के मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25/6/2019, यानी कि इस डेट को कैंडिडेट ने भारतीय रेलवे में गुड्स गार्ड की पोस्ट ज्वाइन की थी। इसके अलावा यहाँ पर बैंक से रिलेटेड सभी डिटेल्स दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 1/4/2023 के अनुसार जो इनको पेमेंट मिली है वह 91,156 रुपीज हुई है। इनका पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर कुछ रिकवरीज भी हुई है जो कि 10,986 रुपीज की रिकवरी है। इसके बाद इनको कैंडिडेट को जो नेट पेमेंट है इनके अकाउंट में आया है वह 80,170 रुपीज है। इसके अलावा हम लीव की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी 31 LAP जो कि औसत वेतन अवकाश होता है वह बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ पर LHAP की बात करें तो 58 LHAP यहाँ पर इनकी बैलेंस है। LHAP में आपका जो भी वेतन बनता है उसका आधा करके आपको दिया जाता है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनका ग्रॉस पेमेंट किस हिसाब से बना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो बेसिक पे है इंक्रीमेंट लगकर 31,000 हो गया है। जो स्टार्टिंग में इनका जो बेसिक पे होता है लेवल 5 पर वह 29,200 रुपीज होता है। इसके बाद जिनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा था वह 30,100, और इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा है वह थर्ड इंक्रीमेंट लगकर इनका 31,000 रुपीज अभी यहाँ पर बेसिक पे है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर जनवरी में इनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तब इनका बेसिक पे 31,900 रुपीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता की, तो यह 16,926 रुपए है। इसके अलावा एरियर डीए यानी कि एरियर डीए तब दिया जाता है जब डीए का अलाउंस कर दिया जाता है पर वह सैलरी में ऐड नहीं होता है। जैसे कि इस डीए का 4% इंक्रीमेंट जनवरी माह में कर दिया गया था पर 3 माह से ये इंक्रीज कर नहीं दिया गया था। वो 3 मंथ का एरियर डीए यहाँ पर इनको 4,836 रुपीज दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो इनको 3,627 रुपीज दी गई है जो कि जेड कैटेगरी में दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनकी बात करें तो 2,556 रुपीज का इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एरिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस 216 रुपीज दिया गया है। किलोमीटर अलाउंस से ही गुड्स गार्ड की जो सैलरी होती है वह हाई जंप पे जाती है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 26,085 रुपीज का इनको किलोमीटर अलाउंस मिला है जो कि गुड्स गार्ड की सैलरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी किलोमीटर अलाउंस से गुड्स गार्ड का जो सैलरी है वह 1,00,000+ चला जाता है। किलोमीटर अलाउंस गुड्स गार्ड को प्रत्येक किलोमीटर पर 4.70 रुपए के दर से दिया जाता है, यानी कि गुड्स गार्ड अगर 1 किलोमीटर चलता है तो उसको 1 किलोमीटर का किलोमीटर अलाउंस 4.70 रुपए मिलता है, यानी कि 100 किलोमीटर चलने पर उसको 470 रुपए किलोमीटर अलाउंस के दिए जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी किलोमीटर चले हैं उसका 4.7 से मल्टीप्लाई कर ये
किलोमीटर अलाउंस यहाँ पर 26,085 रुपीस आया है। इसके अलावा आपने जब देखा होगा गुड्स गार्ड ALP या लोको पायलट से सिग्नल एक्सचेंज करते हैं तो वह ग्रीन लाइट का यूज करते हैं, जिससे कि उनको सेल अलाउंस दिया जाता है जो कि 158 रुपीस दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया गया है जो कि 5,275 रुपीस है। इसके अलावा यहाँ पर NH पर ड्यूटी करने पर इनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय अवकाश पर छुट्टी करते हैं तो गुड्स गार्ड को एक दिन का 477 रुपीस इनको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रिकवरीज की बात की जाए, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपीस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का 100 रुपीस, इसके बाद यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम टीयर वन का 6,206 रुपीस इनका रिकवरीज हुई है। इसके बाद प्रोफेशन टैक्स कर्नाटका को 200 रुपए और रेलवे का जो सोसाइटी बैंक का जो इनको सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसका यहाँ पर डिडक्शन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने रेलवे बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है उसका भी यहाँ पर 3,300 रुपीस का रिकवरीज की गई है। इन सभी रिकवरीज के बाद जो नेट पेमेंट कैंडिडेट को मिला है वह आप यहां पर देख सकते हैं 80,170 रुपीस है। अब हम बात करते हैं गुड्स गार्ड के पोस्ट पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट मंथ आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहां पर आपको बेसिक पे की बात करें तो यहां पर बेसिक पे 29,200 रहेगा। इसके अलावा DA यानी कि महंगाई भत्ता आपका अभी वर्तमान में 42% है, इस हिसाब से लगभग आपका 12,500 रुपये महंगाई भत्ता यानी कि DA हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 3000 प्लस किलोमीटर चलते हैं गुड्स गार्ड की जॉब में तो वहां पर किलोमीटर अलाउंस आपको 15,000 इस तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर हाउस रेंट अलाउंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में सेम रहेगा। इसके अलावा सेल अलाउंस आपका सेम रहेगा, नाइट ड्यूटी की जाएगा तो नाइट ड्यूटी अलाउंस वो सेम मिलेगा, नेशनल हॉलीडे अलाउंस सेम रहेगा। इस हिसाब से आप स्टार्टिंग मंथ में लगभग 65,000 से 75,000 तक आसानी से फर्स्ट मंथ से आपकी सैलरी गुड्स गार्ड में स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड में जब आपको गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ओनली बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी कि 29,200 रुपये और 12,500 रुपये ही ट्रेनिंग के टाइम दिया जाता है, जिससे कि आपकी सैलरी 41,000 से 44,500 तक पहुँच जाती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।